नमस्कार, सुप्रभात संपन्न। आज मैं मंगेश धूप मैट्रिक सॉल्यूशन दो प्रोडक्ट आपके पास इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और क्लाउड ईएसपी सॉफ्टवेयर और ईएसपी बेस अटेंडेंसी, ये दो हमारे प्रोडक्ट है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। वाई चूज अस, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको मेरे तरफ देख के मैं संपर्क नंबर इसलिए, लेकिन वेन यू वॉन्ट टू टेल एनी बडी की वाई चूज मैट्रिक सोल्यूशन, हम डायनेमिक और प्रोएक्टिव है और हमारा प्रूवन रिकॉर्ड है बिजनेस में 10 साल से, जैसे इन्होंने बोला है। हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही हम हमारे कस्टमर से, आप लोगों से सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध बनते हैं और उनको हम गुड सर्विस दे पाते हैं। एक और स्पेशल चीज है हमारे में कि दैट इज दूरदृष्टि, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। हम लोग फ्यूचर में आने वाले जो टेक्नोलॉजी है, जो यूजफुल होने वाली है, उसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हम अच्छी से अच्छी चीज देने का कोशिश करते हैं। हमारे पास हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी हमेशा होती है कि जो आज के जमाने के साथ में चलती है। हमारा ट्रांसपेरेंट अप्रोच है, हम हमारे जितने भी मार्जिन है, सर्विसेज है, हर चीज कस्टमर को बताते हैं, कोई भी चीज नहीं छुपाते। और जिन्होंने भी जो भी क्वेश्चन पूछा वी रियली ट्राई टू आंसर एंड वी डेफिनेटली हैव रीजनेबल प्राइसेस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे मैं आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट मैंने यहीं पर रखा हुआ है और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है हम कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी को न करते हुए हमारे रीजनेबल प्राइसेस इसमें रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं बताने वाला हूँ इंक्रीज योर एम्प्लॉय एफिशिएंसी यूज यूजिंग एआई बेस्ड बायोमेट्रिक। सर नेक्स्ट। मराठी मध्ये एक म्हण आहे, असलं तर लागते नसलं तर भागते। भैया तुम्हारा काम बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भैया मेरा तो काम चल रहा है यार, मेरा ऑलरेडी बायोमेट्रिक की जरूरत ही क्या है, लेकिन ऋतु ये दिस इज अ न्यू एज एक्टिविटी। आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो टाइम एफिशिएंसी बढ़ती है, एरर जो प्रेजेंट सिस्टम में है वो पूरे कम हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एरर आपको एआई बेस्ड सिस्टम में नहीं दिखेंगे। हमारी इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त रहती है कि देखिए अभी मैं यहां पर खड़ा हूं एंड यू कैन हियर द थिंग, तो इतने दूर से भी हमारा पंच वो ले रहा है, सिर्फ आपको आगे से गुजरना है तो आपका पंच उसमें ले लेता है। तो दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। इवन 300-400-1000 स्टूडेंट्स तक भी हम एक ही मशीन पे काम चला सकते हैं। सेकेंडली, स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आपका छोटे वॉल्यूम में काम करता है, बड़े वॉल्यूम में काम करता है, बिकॉज स्केलेट अप टू एनी हाइट। आप अगर मुझे पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी काम दे देंगे तो मैं पूरे उसमें कर पाऊंगा। मल्टी लोकेशन मल्टी कंपनी, जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स होंगे, आपके मित्र होंगे, कि उनके बहुत सारे ऑफिस है, भैया मैं परेशान हूँ कि मेरा कलकत्ता वाला एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मेरा चंद्रपुर वाला एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वहां पे मेरा 10 लोग बराबर काम करने के लिए फ्री पकड़ में उनको दे रहा हूँ। तो वो मल्टी लोकेशन मल्टी कंपनी आप हमारे साथ में बैठ के, यहाँ पे बैठ के मोबाइल में भी आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हाइजीनिक है, कॉन्टेक्टलेस आप कर सकते हैं, किसी भी आपको बोलता है तो भैया मैं तो इसके लिए वो फिंगरप्रिंट वाली नहीं लगाना चाहता, क्योंकि कोई जंतु ना फैले। जैसे अभी आज के डेट में कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ, जरूरी नहीं कोरोना, कंजंक्टिवाइटिस हाथ से ही फैलेगा, कोई भी वायरस जो है वो हाथ से ही फैलेगा। सामने वाले ने आंखों को हाथ लगाया, बायोमेट्रिक किया, फिर से उसने अगर अपनी आंखों पे हाथ लगाया तो यूर गेट कंजंक्टिवाइटिस। तो दिस वेरी वेरी हाइजीनिक एंड डेटाबेस के बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े या नहीं बढ़े। हैबिचुअल ऑफेंडर्स, सिंसियर वर्कर्स आपको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, करने हैं तो आप कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है मुझे पुलिस का काम क्या है? एनीबॉडी? चोरों को पकड़ना सभी लोग बोलेंगे, लेकिन पुलिस का काम चोरों को पकड़ना नहीं है, चोरों को चोरी का रोकना यह सबसे बड़ा काम है, क्राइम रोकना यह बहुत बड़ा काम है, कायदा सुव्यवस्था कायम करने का काम। हमारे गैजेट्स भी यही करते हैं कि आपके लोगों से एफिशिएंटली काम करवाना चाहते हैं, इसके लिए हमारे गैजेट्स आप लगवाइए। सो टोटल डिफरेंट हमारा अप्रोच ही ऐसा रहता है कि जो आपके पास है उसको सबसे अच्छे बढ़ाया जाए। और लास्ट में सबसे लास्ट पॉइंट आप अगर देखना चाहेंगे तो है मालिक को ज्यादा से ज्यादा फ्री रखना। आपने पुराने जमाने में एडवर्टाइज सुनी होगी, पहले मैं बहुत परेशान रहता था, मेरे एम्प्लॉय बहुत परेशान करते थे, 3-4 दिन की सैलरी बढ़ाने में लगते थे, अभी मैंने बायोमेट्रिक लगवा लिया है तो क्यों ना हो, मैं तो बड़ा खुश नजर आ रहा हूँ, मेरे को ज्यादा टाइम मिलता है, मैं दोस्तों के साथ भी समय बिताता हूँ, मैं बीवी को भी समय देता हूँ,
और मैं अपने लिए कमाता हूँ, मैंने प्रेस के लिए सैलरी के लिए नहीं। सो प्लीज आप मेरी बायोमेट्रिक छोटा सा वीडियो है वैसे आपने जो वो वीडियो का लाइव उधर ही देखने को मिला कम नियर माय बायोमेट्रिक डिवाइस इट टेक्स मच। ये बहुत सारे इसमें मॉडल्स आते हैं सर। नेक्स्ट ये एप्लीकेशन से कुछ इनके ऑफिसर स्टोर ऑफिस फैक्ट्रीज हॉस्पिटल जो भी आपके दोस्त होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको आप हमें रिकमेंड कीजिए एएफएस बायोमेट्रिक। नेक्स्ट प्लीज द सेकंड प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू हाईलाइट इज मार्क बुक्स। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब आप अपने तक ही रखिए। कितने लोगों को आज अपने फाइनेंसेस पता है, कितने लोगों को पता है कि आज मेरे पास कितना स्टॉक है आज के डेट में, अभी के डेट में कितना सेल हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितने खर्चे हर महीने होते ताकि मैं स्केल अप कर पाऊं। शायद ही बहुत सारे लोग होंगे अपने में से कि जो इनको मालूम ही नहीं है। अगर टैली में आप अकाउंटिंग करते हैं तो कितने लोग अपना टैक्स इन्वेस्ट खुद बना सकते हैं, अपने को हमेशा ट्रेन स्टाफ रखना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी हो जाती है।